हेलो, दिस इज चिराग एंड वेलकम टू वेन्यू डॉट इवेंट्स। वेन्यू डॉट इवेंट्स एक ऐसी वेबसाइट है जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है। एंड इन फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे वेन्यूज के हॉल साइज, सीटिंग स्टाइल, सीटिंग कैपेसिटी विद इन 30 सेकेंड्स विदाउट एनी ह्यूमन इंट्रैक्शन। सो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज कभी ना मिस कर सके। Friends, today we are talking on the MICE and weddings growth in Pan India. And we have besides me, I am Subhash Verma, an industry leader and a consultant now. I have with me Mr. Mrityunjay Mishra, many years spent in the tourism and everybody knows him. Mr. Manoj Vasne is a very leading industry person and ATTOI leader, and Mr. Surinder Singh. So we'll four briefly discuss with this topic of MICE and weddings growth in India, which is happening. Thank you, and I would like to request Mr. Mrityunjay Mishra first to say on this. धन्यवाद आपका मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका भी मिला, और उसके बाद विवाह और MICE, मैं दोनों को एक साथ बोलूँगा। सबसे बड़ी बात है कि पुराने ज़माने से कहा जा रहा है, ज़िंदगी की वीरान गलियों पे कोई अकेला यूँ ही चल नहीं सकता है, उसको किसी न किसी साथी की आवश्यकता पड़ती है, और विवाह उसी संबंध को पूरा करता है। बरसों से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अपना वैदिक कल्चर कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है नहीं पता, लेकिन शादी विवाह के अंदर ये एक इतनी पवित्र चीज़ है कि हर आदमी इसमें बनना चाहता है। इसकी ऊंचाइयाँ इतनी, इसकी प्रसिद्धि इतनी दूर तक पहुंची है कि तमाम विदेशी आर्टिस्ट, तमाम विदेशी मेहमान, अगर उनका ज़िंदगी में कोई सपना होता है तो ये होता है कि शायद उन्होंने 50 साल शादी कर रखी हो, लेकिन एक बार वैदिक कल्चर से भारत में शादी करना वो अपना ऐसा मानते हैं जैसे उनको नया स्वर्ग मिल गया हो, उनको जीवन से मुक्ति सी मिल गई हो। इतनी प्रसन्नता आप किसी भी चेहरे पर देख सकते हैं। अगर वो शादी भी नहीं कर पाए तो उनका एक सपना होता है, पर्यटन विभाग में कम से कम 42 साल से हूँ, उनका एक ही सपना होता है शादी हम कर ना सकें लेकिन एक भारतीय शादी को अपने साक्षात्कार रूप में देख सकें। साक्षात्कार रूप में देखने को उनका मतलब होता है कि अरे वाह, क्या वस्त्र हैं, क्या क्या व्यवहार है, क्या प्यार है, क्या अपनत्व है, क्या साथ है, क्या संगति है, क्या लोगों को साथ साथ खाना, साथ साथ डांस करना, साथ साथ लोगों के साथ गले मिलना। एक ऐसा लगता है कि आसमां के सितारे तो बहुत होते होंगे लेकिन सितारों को जमीन पे आने का मौका उसी से मिलता है जब भारत में कोई विवाह पद्धति चल रही होती है या पूरी हो रही थी। और फिर देश की ये देखिए कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला कि हम जो वेडिंग, जो हम शादी करते हैं बाहर जाके करते हैं, इतना पैसा कि देश का ख़त्म हो जाता है, तो अगर हम उसी सर्कुलेशन को हम हिंदुस्तान में करेंगे तो हमारे अपने देश में सर्कुलेशन होगा। और हमारे टूरिज्म का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। एक छोटी सी चीज़ का फ़ायदा सब रिक्शे वाले से लेके होटल वाले सबको मिलना चाहिए। और इसी पद्धति में ये पर्यटन, ये MICE उस समय पूर्ण होता है जब हम यहाँ पर वैदिक कल्चर से शादी करें और सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और फिर पुरानी ऐतिहासिक किताबों को पढ़ा जाए, वेदों को पढ़ा जाए, सब जगह ये लिखा है, क्या शिव पार्वती का विवाह, क्या राम सीता का विवाह, क्या कृष्ण और उनकी प्रेमिका का जो विवाह ना हो सका, लेकिन कल्चर देखिएगा आप, उनका विवाह करते हैं चाहे उस समय हुआ है नहीं हुआ, ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन आज भी हर व्यक्ति अपने आप को जब विवाह करता है तो विष्णु के अवतार के रूप में मानता है, और इतने लोगों को उससे फ़ायदा होता है। मैं तो कहता हूं कि हम जितनी भी कोशिश करें, हर शहर में ऐसे 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 सेंटर बनाएं जहां पर कि वैवाहिक कल्चर को बढ़ावा मिल सके, जहां पर लोगों को बता सकें कि पवित्रता और शुद्धता क्या चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया इसका। और अब मैं मनोज जी से कुछ पूछना। जी जी, स्वागत आपका। मैरिजेस तो हमारे यहाँ वर्षों से होती रही हैं, तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ लोग क्यों इतना ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, क्या इसका रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज क्या होता है कि हम जब पुराने ज़माने में करते थे, लोग सड़कों पे डांस कर रहे हैं, सड़कों पे पटाखे बजा रहे हैं, सड़कों पे लाइट लेके जा रहे हैं, तो आम आदमी को ना बहुत विघ्न होते थे चलने में, समझने में, ट्रैफिक जैम हो रहा है, कई लोग जा रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कर दिया कि आप वहाँ पर आइएगा, एक जहाँ पर कोई फोर्ट है, जहाँ पर कोई छोटा सा डेस्टिनेशन है, कोई समुद्र का किनारा है, कोई नदी का किनारा है, वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप पर परिपूर्ण है जो शायद कहीं नहीं मिलता, बिना
किसी तकलीफ़ के, बिना किसी मन मुटाव के आपको एक ही जगह पर उस शहर की विविधताओं के सम्मिलित हो रहे हैं, तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। आराम से आदमी शादी करता है, वह करता है, सपनों को साकार करता है। हमने कितनी बार देखा होगा कि आसमां के सितारे हैं, एक चांद नजर आ रहा है, वो चांद सितारे उस डेस्टिनी में आके उस वैवाहिक पूर्ण को संपूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल मनोज जी, मैं भी इनसे सहमत हूँ। आई विल लाइक टू ऐड कि क्या है, ओवर द ईयर द चेंजेस हैव कम एंड पीपल वांट एवरीथिंग इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो एक वेन्यू को लेके देयर इज़ ए कंपनी, वो वेन्यू प्लानर्स अलग हैं, तो वो जो आप जैसे सारा 3-4 महीने 6 महीने फैमिली परिवार सब कामों में लगा रहता था, ये सब कुछ करो, वो सब जो है एक बहन प्लान हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने बताया, एक वेन्यू पे आपने 200 500 300 जितने भी आपकी बजट के हिसाब से आपने परिवार को एकत्रित किया और वो एक जगह पे 2 दिन 3 दिन जो भी है, तो ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ और भी अच्छा लगता है। और समय के भी अभाव है कि आजकल वो काम करना 6 महीने सब अपने बिजनेस में बिजी वगैरह रहते हैं, तो वो सब भी टाइम बच जाता है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी हमने देखा कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो इंडिया में ना होके बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होगी, तभी मोदी जी को बोलना पड़ा कि भई आप जो है वेडिंग्स भी जो है वो आप हिंदुस्तान में ही करो। तो लोगों का बाहर इंटरनेशनल वेडिंग करने का क्या रीज़न समझते हैं? नहीं, वो पहले जो इट स्टार्टेड बिगिनिंग आउटसाइड वर मोर, नाउ इट्स ए ट्रेंड ऑल्सो इफ नॉट ऑल। सी, डिपेंड करता है जो फैमिली इज नोन के वो वेस्टर्न में, एक तो वेस्टर्न वेन्यूज वगैरह दे वर प्रमोटिंग देम ऑल, दे वर गिविंग देम लॉट ऑफ फैसिलिटीज, कोई लाइसेंस के बारे में ना देते। नहीं, चीपर तो नहीं पड़ती, बट पहले शुरुआत वहीं से हुई, बट नाउ लॉट ऑफ इंडियंस इवन रिच वंस ऑल्सो आर कमिंग बैक, हैपनिंग। एंड देन जो हमारे वेन्यू थे, चाहे राजस्थान में, गुजरात में, कई जगह में, उनकी अवेयरनेस भी पहले की तरह नहीं है। अब नो, दे हैव ऑल्सो बिकम अवेयर कि बाहर वेडिंग्स होती थी, थाईलैंड में जाके स्पेशली लोग करते थे, तो वो अभी भी हो रही हैं, बट अभी इंडिया में ट्रेंड हुआ, स्टार्ट हो रही हैं। वी हैव मोर कैपेसिटी, अवर स्टेट्स आर मोर वाइब्रेंट देन फॉरेन वेन्यूज़। एवरी स्टेट हैज़ इज ओन, जिसको जो पसंद है, गोवा अलग है, ये अलग है, तो अब अवेयरनेस भी आई है और इन्वेंट्री भी होटल्स की भी, और होटल्स आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो फॉर दिस इवेंट्स, एंड वेडिंग प्लानर्स भी आ गए हैं, वेंडर्स भी मिलते हैं सबके, तो नो इट्स इज़ ए बिग चेंज। तो मेरा अगला क्वेश्चन माइस के ऊपर है। मैंने ये देखा है ट्रेंड कि अभी जो माइस जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेशन इन इंडिया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी सरकार को क्या ऐसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज में माइस इवेंट करना ज़्यादा उनको चीप पड़ता है, तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं पहले आपके पहले बात का जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि विदेश में लोग शादी कर रहे हैं। ब्रिटिश काल से लेके राजा महाराणाओं के शासन तक क्या था कि विदेश जाना एक सोसाइटी का एक स्टेटस सिंबल बन गया था। उस स्टेटस सिंबल को पाने के लिए अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं कि हमने कहा शादी की, हमने थाईलैंड में की, हमने वियतनाम में की, हमने जर्मनी में की, हमने। लेकिन आप देखिए क्या बदलाव आया है। अम्बानी के यहाँ शादी हुई, इतने करोड़ रुपये की शादी, और उन्होंने हिंदुस्तान में कोई भी एक छोटा सा फंक्शन हिंदुस्तान से बाहर नहीं किया। ये है एक 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 प्रधान सेवक की आवाज़ का नतीजा कि यही नहीं, तमाम लोग अब वो विदेश जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि शादी हिंदुस्तान में करो। हम वो विदेशी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में सब कुछ है, लेकिन संस्कृति और जो प्यार और जो साथ जो मिल रहा है, और फिर ये एक उसमें हम ये बात ऐड करते हैं कि यहाँ जो दो दो शरीर का मिलन नहीं हो रहा, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, और ये आत्मा आज के लिए नहीं है, हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं। तो 7 जन्मों के मिलन के लिए जब प्यार रूपी बंधन होता है ना, तो बन जाता है। टैक्सेशन की बात भी आ जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ टैक्सेशन ज़्यादा है, वहाँ टैक्सेशन वहाँ भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एकदम सिस्टमेटिक टैक्सेशन हो गया है। तो अक्सर भारतीयों को लगता है कि यहाँ टैक्सेशन ज़्यादा हो गया है, लेकिन विदेश के मुकाबले में यहाँ अगर आप देखें तो सुविधाएँ, सुख की जो अनुभूति है वो वहाँ से लागुना अच्छी है। वहाँ पर हम 50 काम करते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं कहीं डर लगता है कि हमने ये काम किया तो कहीं हम यहाँ की गवर्नमेंट ये ना बोले, यहाँ की पुलिस ये ना बोले। यहाँ पर हम काम करते हैं और ऐसे करते हैं कि हम यहाँ के महाराज हैं, और यही तो हमारा मोटिव है। यहाँ शादी करो, एक दिन के लिए नहीं, आप 10 दिन के लिए महाराजा का रूप बनो जी। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड जो मनोज जी के उल्टा जो फॉरनर्स हैं, देयर हैव केसेस के फॉरनर्स हैव, आई हैव डन माई सेल्फ 1 2 केसेस मॉक मैरिज, तो
जवान कपल था, वो मैरिड कपल, यहाँ पर आके 5-10 फ्रेंड्स को लेके उदयपुर में मैंने खुद शादी करवाई है। अवर वेन्यूज़ होटल्स तो अभी पोटेंशियल इतना है कि अगर हमारे भारतीय लोग बाहर जा रहे हैं तो फॉरनर्स कैन आफ्टर देयर कोर्ट मैरिज दे कैन कम हेयर एज ए वेडिंग। इंडिया में इतना पोटेंशियल इस चीज़ का, पर हमने अभी उस पर काम अभी ज़्यादा नहीं किया और करना चाहिए इंडस्ट्री को भी, टूर ऑपरेटर्स को भी और होटल्स को भी कि फॉरनर्स आके यहाँ पर वेडिंग करें। सुरेंद्र जी आपके कुछ विचार, एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक? कुछ बेसिकली मेरे को लगता है कि पहले तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, अभी धीरे धीरे से होटल्स भी इन्वॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल फुल पैकेजेस दे रहे हैं। करेक्ट, अगर आपको शादी ऑर्गेनाइज करनी है 2-3 दिन 100 आदमी 200 आदमी वो दे वर्कआउट कंप्लीट पैकेज। और रोड कम्युनिटी, रोड्स आर मच बेटर, यस बिल्कुल फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमें सरकार ये फैसिलिटी दे, हमें सरकार वो फैसिलिटी दे, सब फैसिलिटी है। आप वहाँ जाना तो प्रारंभ करें, जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इतना सारा मतलब एक टूरिस्ट आ रहा है, हमें ये सुविधाएं देनी है। कई बार क्या होता है कि कोई एक दूर दराज के गांव में कोई हम शादी कर रहे हैं, उनको 1947 का पहले का म्यांस दे रहे हैं, जहाँ पर कि पता चले कि बैंड बाजे वाले चल रहे हैं, 2 किलोमीटर तक लोग डांस कर रहे हैं, लोग गाने गा रहे हैं, लोकत्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है और पुरानी परम्परा का द्वार से निर्वाह हो रहा है, उसका आनंद अलग है। तो वहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो फैसिलिटी देने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग उस चीज़ को ज़्यादा उपयोग कर सकें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें। आकर्षण मुख्य काम है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगा, जहाँ भी शहर में कर रहे हों, ये भी राज्य सरकार का काम है, ये भी टूर ऑपरेटर का काम है कि वहाँ के लोगों को सेंसिटाइज करें, वहाँ के लोगों को बताएँ। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज इम्पार्ट नहीं करेंगे, लोगों को देंगे नहीं, डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक आप उस मीडिया के द्वारा इसको ज़्यादा अवेयरनेस मिल लीजिए। मीडिया तो करेगी करेगी, लेकिन पहले आम व्यक्ति करे। मीडिया हर जगह जाने को तैयार होती है, मैं कभी किसी मीडिया के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता, क्योंकि देश अगर कई जगह उन्नति कर रहा है तो इस मीडिया की वजह से कर रहा है, इनकी पब्लिसिटी, इनकी सब कुछ। और हमारे टूर ऑपरेटर तो खैर हमेशा ही सचेत रहते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बट मैं लास्ट में ये कहूँगा कि चाहे माइस इवेंट्स हो, वेडिंग हो, जो विविधता, वैरायटी, ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न सब कुछ डिपिक्ट जो इंडिया में पॉसिबल है, वो फॉरेन वेन्यू में बिल्कुल नहीं है। कंपेयर टू दिस इज़ वन बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया, कलर्स बोलो, वेन्यू डिफरेंस, ट्रेडिशंस, लोक नृत्य, फ्रॉम पुअर टू रिच सिचुएशन, सब कुछ जो वैरायटी आप दिखा सकते हैं, जो रियलिटी है जो इंडिया में है, वो बाहर नहीं हो सकती। इसमें कोई वो नहीं है, ये सत्य बात है। गरीब से अमीर, एंड ऑफ द डे हर शादी के मौके पर हर किसी चेहरे पे एक मुस्कान नजर आती है, ठिठोले करते हुए लोग नजर आते हैं। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू, थैंक यू मृत्युंजय जी, सुरेंद्र जी, मनोज जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस मौके पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। टॉक ऑन माइस एंड वेडिंग्स। थैंक यू सो मच।